Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली हाई कोर्ट में एक हैरान करने वाला केस सामने आया, जब एक लॉ स्टूडेंट कोर्ट पहुंच गया और उसने पीआईएल दायर कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने की मांग कर डाली। कोर्ट ने न सिर्फ उसकी याचिका खारिज की बल्कि उसके ऊपर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कई तीखी टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने उससे पूछा कि क्या आप यूएन से हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आपको वीटो का अधिकार किसने दिया? दरअसल अरविंद केजरीवाल के तमाम केस इस वक्त वकील राहुल मेहरा हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने भी याचिका लगाने वाले शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया। राहुल मेहरा ने कहा कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति कौन है, ये एक पब्लिसिटी याचिका है जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है, ये बेहद खेदजनक है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि राहुल मेहरा सीएम की ओर से पैरवी कर रहे हैं, उनका कहना है कि वे उचित कदम उठा रहे हैं, आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको वीटो पावर कैसे मिली, क्या आप यूएन के सदस्य हैं? हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोर्ट के आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मैं यहाँ केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए आया हूँ, मैं यहाँ केवल नागरिकों के कल्याण के लिए पहुंचा हूँ। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है, मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया हैं। वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा कि इस अदालत में तीन मामलों पर फैसला सुनाया गया, पिछले आदेशों में जुर्माना लगाया गया, उस आदेश को पढ़ना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मैं कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता, इसीलिए मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरी पार्टी किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले रही है, मैं यहाँ केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए आया हूँ, मैं यहाँ केवल नागरिकों के कल्याण के लिए हूँ। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि मेरी एकमात्र चिंता ये है कि दिल्ली के 3 करोड़ लोग, जिनमें से 1.59 करोड़ लोग मतदाता हैं, उनके बच्चों, उनकी शिक्षा और चिकित्सा का क्या होगा, ये एक असाधारण स्थिति है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि सीएम दवाएं उपलब्ध कराने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। मेरी याचिका मुख्यमंत्री को राहत देने के लिए नहीं बल्कि मेरी चिंता सिर्फ दिल्ली के लोगों को लेकर है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा कि केजरीवाल पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुख्य समस्या ये है कि सीएम उपलब्ध नहीं है। भारत और दुनिया में ये पहली बार है कि कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है जेल में है, नागरिकों को कारावास के कारण कष्ट क्यों उठाना चाहिए। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि आज तक किसी ने भी ये तय नहीं किया कि वे दोषी हैं या नहीं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इसमें आप कौन हैं? क्या आप उनके लिए जमानत बॉन्ड भरेंगे, क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई गवाह प्रभावित ना हो, आपने उनके हिरासत के आदेश को भी चुनौती नहीं दी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, हमने पहले भी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के कैबिनेट में मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन लगाना एक शरारत थी, कोर्ट में उस याचिका का विरोध खुद अरविंद केजरीवाल के वकील ने किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 अप्रैल तक सीएम ईडी रिमांड पर रहे, इसके बाद उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस समय केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल को खत्म होने वाली है। बहरहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।